हेलो, आज मन कर रहा था मूंग दाल का हलवा खाने का, तो मैंने घर में बोला भाई मूंग दाल का हलवा बना दो, क्योंकि मूंग दाल का हलवा मेरा बहुत फेवरेट है। हलवा तो भाई दो ही है, एक मूंग दाल का हलवा, एक गाजर का हलवा, जो खाने बहुत मज़ा आता। तो आज मैंने कहा भाई घर जो है मूंग दाल का हलवा बनाओ, तो रात में बोला था तो ठीक है सुबह बनेगा और क्या। तो सुबह के लिए जो है रात को दाल में, रात को जो दाल मूंग दाल जो है उसको भिगोने दे दिया। भिगोने के बाद सुबह सुबह उसको जो है फिर जब मूंग दाल का हलवा बनाना था तो उसको अच्छे से ग्राइंडर में ग्राइंड कर करके उसके बाद कढ़ाई लिया, कढ़ाई में देसी घी डाल दिया। देसी घी डालने के बाद उसमें जो है हलवा डाल दिया, सॉरी हलवा नहीं मूंग दाल डाल दिया, पिसा हुआ जो मूंग दाल था ना वो डाल दिया, मूंग दाल डाल दिया। डालने के बाद उसको फ्राई किया अच्छे से, 5 मिनट तक लगभग भूना उसको, वो भी धीमा आँच में, उसको भूनते 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 जब वो अच्छे से लाल हो गया तो उसके बाद उसमें डाला शायद दूध। ये देखो बिल्कुल लाल हो गया, भुना हुआ लाल हो गया, वाह देखने को कितना अच्छा लग, ब्राउन मस्त लग रहा। मूंग दाल का हलवा का टेस्ट ही अलग है, उसका मज़ा ही अलग है, बचपन से खाते आ रहा हूँ बहुत। आप एक बार ज़रूर ट्राई करो उसको कि मूंग दाल का हलवा, और ऐसे ही बना कर ट्राई करो कि कैसे देसी घी में और अच्छे से मूंग दाल का हलवा बनता है। मूंग दाल का हलवा और गाजर का हलवा, एक बार गाजर का हलवा बनाऊंगा। ये देखो इसमें डाल दिया दूध, और दूध डालने के बाद उसको बहुत अब अच्छे से उबलेगा, अच्छे बहुत देर तक। अब देखो ये धीरे धीरे सूखता जाएगा, सूख जाएगा, सूख जाने पर उसमें चीनी और थोड़ा सा वो डाल देना, ड्राई फ्रूट्स डाल देना। डालने के बाद फिर दबा के खाओ। ये देखो अब तैयार हो रहा है मूंग दाल का हलवा, ये देखो इसमें डाला वो स्वाद अनुसार चीनी डाल दिया, कि कोई मीठा चीनी खाता है, कोई ज़्यादा चीनी खाता है, कोई कम चीनी खाता है। चीनी डालने के बाद मैं तो भाई थोड़ा ज़्यादा ही खाता हूँ। चीनी डालने के बाद उसको दूध और चीनी डालने के बाद अब ये थोड़ा ये कम आँच पे, बिल्कुल कम फ्लेम पे धीरे 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 ये पकेगा। पकते 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 जब ये सूख जाएगा अच्छे से फिर इसमें डाल दे ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट डालने के बाद इसको जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे अच्छे से, और जब ये सूख के तैयार हो जाए ये देखो वाह कितना बेहतरीन लग रहा है। इसमें अब ड्राई फ्रूट देखो बादाम काजू ये सब वो जो है डाल दिए, उसको कद्दूकस करके छील करके, फिर उसके बाद खा के देखो क्या टेस्ट, वाह मूंग दाल का हलवा। एक बार जरूर ट्राई करो दोस्त, बहुत मज़ा आएगा मूंग दाल का हलवा खाने में। बाय।